classes. I hope you will find at your home and you can see students. I am also fine. So this is your third class and of lesson 2. Okay students, I hope you guys have made your homework. Now we will proceed to next topic, that is subtraction. Students, you know very well I can't check your homework right now, but when school will be open then I will check your homework. So keep your homework safely. Okay, now coming to our point, that is subtraction. And you know students, what is subtraction? Subtraction means in Hindi is घटाव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घटाव, और उसका साइन माइनस का साइन ये है. Subtraction is taking away. Subtraction is taking away. Subtraction में क्या होता है? Decrease होता है, कोई भी नंबर डिक्रीज होता है. As like अगर हम आपके पास 5 mangoes थे, कितने mangoes थे? 1, 2, 3, 4, 5. कितने mango थे आपके पास? 5. आप क्या किए? 3 mango आप भी खा लिए, अपने दोस्तों को भी दे दिए. तो बताइए आप कितने बचे आपके पास? तो 3 तो चले गया ना, अब बचा कितने? तो 2. 5 minus 3 equal 2, ये माइनस का साइन है, ठीक है. और 5 में से फिर 3 चले गया तो कितने बचे? 2. तो आज हम यही सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? नंबर डिक्रीज होता है. तो क्या बताओ, नंबर डिक्रीज हुआ? यस, नंबर यहाँ डिक्रीज हुआ, ठीक है. और एडिशन में हम पढ़े थे नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है. क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है. सो दैट ओपन योर बुक विथ पेज नंबर 23 एंड स्टूडेंट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट. सब्ट्रैक्ट बाय क्रॉसिंग आउट, आपको क्या करना है? क्रॉस करना है. जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे करके क्रॉस किए, आपके पास 5 मैंगो थे, आपने 3 मैंगो को खा लिया, आप क्या करोगे? क्रॉस कर दोगे, क्योंकि ये पिक्चर है, ठीक है. तो आप क्या करोगे? इसको क्रॉस कर दोगे. ओके, नाउ यू हैव टू ओपन योर बुक सो दैट योर फर्स्ट क्वेश्चन इज देर आर 3 पंपकिंस. ओके, यू कैन सी स्टूडेंट्स देर आर 3 पंपकिंस एंड यू हैव टू कट 3 minus 1. यहाँ कर रहा 3 में से 1 कितने करेंगे? 1 को कट करेंगे, तो 1 को कट कर दिए. बताइए आप कितने बचे? 9. काउंट द ऑब्जेक्ट, 1, 2, कितने हो गए? 2, ठीक है. नाउ द बी नंबर क्वेश्चन इज कितने टोमेटोज है? काउंट करिए, हाउ मेनी टोमेटोज आर देयर इन पिक्चर? बी नंबर. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें से क्या करा? 3 को कट करना, 3 को सब्ट्रैक्ट करना. तो चलिए 3 को कट कर देते हैं, 1, 2, 3. बताइए आप कितने बचे? 1, 2, 3, कितने बच गए? 3. इसी तरह से आप क्या करोगे? पेज नंबर 23 का ऑल क्वेश्चंस आप बनाओगे, ठीक है. पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 लिखोगे, पेज नंबर 23 आप बनाओगे, ठीक है. So we will proceed to next topic, that is subtraction on number line. In last class you have read about addition on the number line. आपने addition को number line पे कैसे डालेंगे वो पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे subtraction को number line पे कैसे put up करेंगे. So your example page number of 24. You have to open your book with page number 24. Okay? The first number example is 6 minus 3. इसको किस में पुट करना है? 6 minus 3 में करना है. देखो किस कैसे करेंगे इसको. इसमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक नंबर लाइन बनाओगे. आप जानते हो नंबर लाइन बनाना कैसे बनाए थे, उसी तरह से आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ. उसमें 0 से लेकर 10 तक आप नंबर पुट अप करो. और आपको पता है 1 और 0 और 1 के बीच में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना की 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस होगा, और उतना ही डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, इसी तरह से सो ऑन. सो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं. 6 minus 3 क्या लिखा हुआ है? 6 minus 3 इसको हमको नंबर लाइन पे कैसे फुट करेंगे ये आप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे 0 से लेकर 6 तक. कहाँ जाओगे? 0 से लेकर, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है? 6. तो 0 से लेकर कहाँ जाएंगे हम? 6 तक. अब कह रहा है इसको माइनस थ्री इसमें डालना है. तो क्या करेंगे हम? 3 डिजिट बैक हो जाएंगे. बैक मीन्स पीछे. 3 डिजिट क्या हो जाएंगे? बैक. चलिए 1, 2, 3 बताइए. 3 आया ना, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट भी किए तो हमको आंसर कितना आया था? 3. और यहाँ पे जब हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो भी मेरा आंसर सेम ही होना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 डिजिट बैक हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या करना था? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? नंबर डिक्री.
डिक्रीज होता है, तो हम यहाँ पीछे जाएंगे तो भी तो ही हमारा नंबर डिक्रीज, क्योंकि आगे जाएंगे नंबर लाइन पे तो हमारा नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। फिर के बाद फोर, फोर आफ्टर फाइव, ये सभी क्या हो रहा है नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है नंबर डिक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे देखें सिक्स में से थ्री जब हम सब्ट्रैक्ट किए, थ्री डिजिट पीछे चले गए, ये वन डिजिट पीछे गए, ये टू डिजिट, और यहाँ जब थ्री डिजिट पीछे गए तो हमारा आंसर आ गया जो कि थ्री है। तो इस तरह से ये एग्जांपल था। अब हम ए नंबर बनाते हैं, ठीक है, आप ही अपना अपना बुक खोलिए और उसको बनाइए। ए नंबर का क्वेश्चन है फाइव माइनस वन। चलिए सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू पुट इन योर नोटबुक ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। नाउ यू हैव टू राइट जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो लिखेंगे, आफ्टर दैट थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के वन लिखेंगे, उतना ही डिस्टेंस लेकर के टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ये हमारा नंबर लाइन बन के तैयार हो गया। अब चलिए इसमें हम पुट करते हैं फाइव माइनस वन। तो सबसे पहले आप जीरो से लेकर के फाइव तक चलोगे, फाइव चले गए जीरो से लेकर के कहां तक चले गए फाइव तक। अब कह रहा है वन वन इसमें माइनस करना है, कितने माइनस करना है वन, तो पीछे चलो वन डिजिट कितने हुए, कितने पे गए फोर पे, यस। और हम जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइव माइनस वन तो हमारा आंसर भी क्या आएगा फोर ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले निकालो फिंगर, निकालो फिंगर पे भी आपको काउंट करने सिखाए थे ना, फाइव फाइव फिंगर निकाल लिए। अब इसमें से क्या करना है आपको वन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वन डिजिट इसको मोड़ दिए, देखो वन नंबर वन फिंगर इसको मोड़ दिए तो बताओ कितने बचे वन टू थ्री फोर, कितने बचे फोर। तो हमारा आंसर क्या हो गया फोर, और सेम आंसर हमारा नंबर लाइन पे भी आया। नाउ द बी नंबर, बी नंबर क्वेश्चन इज सिक्स माइनस फोर एंड इसमें भी आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अब तक डायर जीरो टू टेन इसमें पुट करेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। हम इलेवन भी लिख सकते हैं नंबर लाइन पे संख्याएं, नंबर कितने होते हैं अनंत हो सकते हैं, ठीक है आप, लेकिन बनाने के लिए सिर्फ टेन तक ही बनाओगे। चलो उसके बाद सिक्स कह रहा है सिक्स माइनस फोर, पहले कहाँ जाएंगे सिक्स पे, पहले जीरो टू सिक्स चले गए, फिर कह रहा है फोर, फोर डिजिट होना है बैक होना है फोर डिजिट, तो वन टू थ्री फोर कहाँ गया देखो टू पे गया। आप फोर पे नहीं लगाओगे, फोर डिजिट बैक जाओगे, फोर फोर बार काउंट करके पीछे जाओगे, वन टू थ्री फोर कहाँ गया टू पे। तो देखो सिक्स माइनस फोर इक्वल कितने हो गए थ्री और टू, हमारा राइट आंसर क्या हो गया टू, ओके। सो योर सी नंबर क्वेश्चन इज, सी नंबर में क्या है टेन माइनस टू, क्या है टेन माइनस टू। चलिए इसको सबसे पहले नंबर लाइन में डालते हैं, फिर जीरो से टेन डालेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ठीक है। अब कह रहा है टेन माइनस टू, तो आप कहाँ जाएंगे सबसे पहले आप जीरो से लेकर के सीधा आप टेन पे चले जाओ, चले गए टेन पे। अब कह रहा है टेन माइनस टू, तो क्या हम टू पे चले आएंगे यहाँ पे चले आएंगे, नहीं ये तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। आप क्या करोगे टू डिजिट बैक जाओगे, उसके लिए आपको फिर से एक ऐसा लाइन खींचना पड़ेगा, वन डिजिट चलेगा पीछे फिर एक और डिजिट पीछे, कहाँ चले गया एट पे। हमारा राइट आंसर क्या हो गया एट, और जब आप टेन में से टू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एट ही आएगा, ठीक है। हमारे पास टेन फिंगर है और टू फिंगर को हम जब मोड़ देंगे तो बता दो कितने बचे हैं फाइव थ्री, एट में ना, यस। तो इसी तरह से आप पेज नंबर ऑफ 24 भी बनाओगे, तो योर होमवर्क इज पेज नंबर 23, 24 इन बुक एंड नोटबुक। सो आई होप यू विल कंटिन्यू एंड